हेलो एवरीवन, सो बच्चों स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। मैं हूं अनम और आज मैं आपको बताने वाली हूं मैथमेटिक्स के बेसिक के बारे में। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि जो पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं लेकिन उनका बेसिक ही कमज़ोर होता है, इसलिए वो 9, 10, 11, 12 में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बेसिक के बारे में। हम आपका जो है जितना भी बेसिक है वो सारा मैं आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बच्चों हमारा कौन सा, साइन रूल। साइन रूल मतलब कि हम एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में हम साइन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे सबके बारे में ताकि आपका एक एक जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए तो आप 9, 10, 11, 12 में ज़्यादा 95 प्लस स्कोर कर सकें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने साइन रूल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बोला था हम यहाँ पे चारों के बारे में बात करने वाले हैं, साइन रूल फॉर एडिशन, साइन रूल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड साइन रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड साइन रूल फॉर डिवीजन। ठीक है, चारों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ, आई होप कि आपको पता होगी, नहीं पता तो चलो यहाँ पर देख लो। देखो जरा, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे साइंस के बारे में, साइन के बारे में, अगर मान लो हमारे पास दोनों ही नंबर, दो नंबर है, दोनों नंबर में होगा, ठीक है, दोनों नंबर में हमारे पास क्या है, दोनों नंबर का जो साइन है वो प्लस है, दोनों नंबर का साइन अगर वो प्लस है तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, अगर मान लो पहला नंबर प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो हमारे पास प्लस माइनस जो होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड की बात करें, अगर मान लो पहला नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो फिर भी हमारे पास प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। अब आती है चौथी बात एंड लास्ट बात, अगर मान लो दोनों के ही साइन माइनस है, दोनों के ही साइन क्या है बच्चों, माइनस है, तो माइनस माइनस होता तो प्लस है, मतलब उन नंबर्स का एडिशन होगा, लेकिन लेकिन जो मेन बात है वो क्या है, उसका जो साइन आता है नंबर का वो कैसा आता है बच्चों, माइनस का आता है। ठीक है, जैसे कि हम ये जो रूल है इनमें अप्लाई करने वाले हैं। चलिए पहला देखते हैं हम कौन सा, साइन रूल फॉर एडिशन। ठीक है, एडिशन में हम साइन रूल का कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखो जरा, पहला क्वेश्चन लिख रखा है मैंने प्लस का 7 प्लस प्लस में 3। अब बच्चे घबरा जाएंगे, मैम यहाँ पर तो इतना सारे साइन है, 3 साइन है, कैसे कैसे हम, अगर आपने जो बताया था वो तो ये बताया था कि सिर्फ 2 साइन होंगे, लेकिन यहाँ पर तो 3 साइन है। बेटा यहाँ पर देखो प्लस का ही 7 है, क्या है, प्लस का ही 7 है, तो प्लस के 7 को तो एज इट इज उतार दो। अब ध्यान सुनो, यहाँ पर 2 साइन है, इनको देखो, प्लस 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 बच्चों क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से 2 बार साइन है हमारे पास, अब यहाँ पर 2 साइन बच्चे, प्लस प्लस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, मतलब उन नंबर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। 7 और 3 बच्चों अगर मैं बात करूँ तो कितना आ गया, 10 आ गया, और वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्लियर पहली बात। दूसरी बात पे आओ, दूसरी बात, प्लस का 7 को एज इट इज उतार दो क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही साइन है। अब लेकिन हम यहाँ पर बात करें प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, फिर से यहाँ पर 2 साइन है, प्लस माइनस बच्चों क्या होता है, माइनस होता है, उन नंबर्स का माइनस होता है। ठीक है, 7 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसके साथ माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, साइन जो होगा, जो हमारे पास बड़े वाले नंबर, क्या कह रही हूँ मैं, जो बड़े वाले नंबर के साथ साइन होता है वही जो हमारा नंबर, जो हमारा आउटकम आता है उसके साथ भी वही साइन होता है, मतलब बड़े वाले नंबर के साथ साइन क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पर भी जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा। क्लियर बात। चलो भाई थर्ड पे आ जाओ, यहाँ पर क्या है, माइनस का 7 है, माइनस का 7 एज इट इज लिख दो। यहाँ पर देखो प्लस प्लस क्या होता है, हमारे पास प्लस ही होता है। अब देखो फिर से 2 साइन आ गए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब इन नंबर्स का क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, माइनस लगा दो, मतलब माइनस कर देते हैं, 7 में 3 गए कितना आ गया, 4। अब जैसे कि मैंने बोला जो बड़े वाले नंबर के साथ साइन होता है वही जो हमारा आउटकम वाला नंबर है उसके साथ भी वही साइन आएगा, मतलब बड़े वाले नंबर के साथ साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर ही बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो रही है। अब आते हैं फोर्थ बात पे, अपनी लास्ट बात पे, किसकी, एडिशन की। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस 7 है, माइनस 7 एज इट इज लिख दो, प्लस माइनस बच्चों क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 3 आ गया। अब जैसे मैंने बोला दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स माइनस के हैं, तो नंबर्स तो होंगे प्लस, लेकिन उसके साथ जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। ठीक है, अब 7 और 3 अगर हम प्लस करें तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है, लेकिन जैसे मैंने बोला साइन कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बड़े नंबर की बात करें, देखो बड़े नंबर के साथ साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, माइनस ही आएगा। क्लियर फंडा एडिशन का। अब आते हैं बेटा सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन में क्या है, यहाँ पर हर जगह माइनस 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 दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी फिर से कितने साइन है हमारे पास, 3 साइन है, तो उनको चेंज करेंगे, प्लस का 7 को एज इट इज रहने दो। ठीक है, देखो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस, 7 में से 3 गए कितना बचा, 4। बड़े वाले नंबर के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर, चलो सेकेंड पे आओ,
प्लस का 7 एज इट इज लिख दो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पर तो माइनस माइनस ऐड होता है आपने बोला था, ठीक है, मतलब नंबर्स का क्या होता है, एडिशन होता है, लेकिन साइन किसका था, माइनस। बेटा यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है और वो नंबर कौन सा है, 3। तो अब कभी भी ऐसे लिखो माइनस माइनस तो हमेशा कौन सा साइन आएगा, एडिशन का ही साइन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस प्लस कितना हो गया, प्लस का 10 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस का 7 को एज इट इज लिख दो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब माइनस माइनस अब इसमें होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो नंबर के साथ माइनस है, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर के साथ माइनस हो और यहाँ पर सिर्फ साइन लगा हुआ था, यहाँ पर दूसरे नंबर के साथ नहीं है, यहाँ पर तो एक नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, सिर्फ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। जब ऐसा केस हो तो हम क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर के साथ माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ठीक है, साइन माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 10, ठीक। अब माइनस 7 को एज इट इज लिख दो, माइनस माइनस जैसे मैंने बोला प्लस आएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, क्लियर हो गई। बहुत ज़्यादा मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी, माइनस प्लस।